ये शहर वो है जिसने बेमिसाल दौर देखा। ये शहर वो है जिसने पेचवर्क और जरदोजी की चमक बिखेरी। ये शहर वो है जिसने शानदार चाकुओं को बनाया। ये शहर वो है जिसने सरगम के सुरों को सजाए रखा और गंगा जमनी तहजीब को बनाए रखा। वो शहर है रामपुर। हाँ, रामपुर, जहाँ स्थित है गांधी समाधि, इस अहद के साथ कि कायम रहे यहाँ शांति। ये वही रामपुर है जहाँ रामपुरी चाकू ही नहीं बल्कि सितार, हारमोनियम और वायलिन के सुर भी फिजाओं में बिखरते हैं। कहने को तो वायलिन विदेशी वाद्य यंत्र है, लेकिन रामपुर में नवाबी दौर से ही वायलिन बन रहा है। समय के बदलने के साथ वायलिन की खूबसूरती भी और निखरती गई। तरह तरह की मशीनों से इसे न सिर्फ फिनिशिंग मिली बल्कि मन भावन रंग देने में भी मेहनत की गई। लोग कहते हैं कि लगभग 7 दशक पहले रामपुर में वायलिन की शुरुआत हुई थी। शहर की घनी आबादी के बीच स्थित घेड़तोगा में चल रही है एक म्यूजिकल कंपनी, उसके मालिक गयासुद्दीन बताते हैं। जो वायलिन की शुरुआत जो रामपुर में हुई है, जब हमने अपना होश संभाला है तो अपने वायलिन बनते हुए ही देखा है। हमारे वाले साहब अमीरुद्दीन साहब और हमारा ताया साहब हाजी हसीनुद्दीन साहब दोनों भाई आपस में थे और बहुत ज्यादा इनमें इत्तेफाक, दोस्त भी यही थे और मतलब के भाई भी यही थे। तो ये बम्बई गए थे फर्नीचर का काम करने, फर्नीचर का काम सीखने। वहाँ काफी अरसे वहाँ पर रहे दोनों जने, कोई इंग्लिश कंपनी थी। और उसके बाद में माशाल्लाह हमारे वालिद जो थे अमीरुद्दीन साहब, जहन के बहुत जहीन आदमी थे। बहुत छुट्टी वाले दिन संडे को बाजार लगती है, पुराना माल उसमें बिकता है, आता है, तो वहां से एक वायलिन लेकर आए थे। जर्मनी का वायलिन कहलाता था उस जमाने में। वो वायलिन लेकर आए, उसमें नहीं मालूम किस तरीके से उन्होंने क्या करा, कैसे सीखा, बारह उसमें वो अपने दिमाग मारी करते रहे। जब बम्बई छोड़ी तो रामपुर तशरीफ लेकर आए दोनों भाई और रामपुर में बोले कि रामपुर में ही अपना कोई कारोबार करेंगे। फर्नीचर का काम भी बहुत अच्छे तरीके, बहुत अच्छे पैमाने में शुरू करा। उसके बाद में जो वायलिन जो लेकर आए थे हमारे वाले साहब अमीरुद्दीन साहब, ये काम से निबटने के बाद में शाम को घर पे लेके उसको ट्यून कराया करते थे, उसको बजाने की कोशिश कराया करते थे। रोजाना का उनका ये मामूल था। हमारे ताया जो थे वो बहुत धार्मिक आदमी थे, नमाजी आदमी थे, नमाज पढ़ते थे हाजी हसीनुद्दीन साहब। तो उनको एक दिन गुस्सा आया, बोले कि भाई तू ये अमीरुद्दीन क्या रोज लेके बैठ जाता है, टुन 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 करता रहता है। अरे कोई बात नहीं, बात आई गई हो गई। तो उसके बाद में मतलब कि वो रोजाना उनका मामूल था प्रैक्टिस करना, रियाज करना। अगर एक दिन हमारे ताया जी गुस्सा आया हाजी हसीनुद्दीन साहब को, उन्होंने वायलिन गुस्से में वो पटक दिया। जब वायलिन पटक दिया तो वायलिन टूट गया उस। तो हमारे वालिद साहब ने उस दिन से खाना पीना सब छोड़ दिया। तो हमारे ताया जी बोले, बोले अच्छा भाईला मैं तुझे वायलिन ही बना के दूं। अगर ये उस जमाने की बात है, मैं समझता हूँ कम से कम इस बात को होगा होंगे, हमें देखते हो तो 85 साल होगा, हमारे 50 साल की उम्र होने जा रही है। तो जैसे तैसे करे कोशिश करके एक वायलिन उनको बना के दिया। जैसे अपने जुगाड़बाजी करी, वो कारीगर आदमी बहुत थे, बहुत अच्छे हुनरमंद। गलत ये वायलिन बना कर दिया तो उसके बाद में उन्होंने उसको फिर वही ट्यूनिंग करना शुरू करी। रोजाना लेके रियाज करते थे। गलत ये रियाज करते करते वो इतने अच्छे मतलब के उसके फनकार हो गए थे कि मतलब कोई भी गाना इतना अच्छा बजाते थे, बहुत लाजवाब बजाते थे। कोई भी धुन हो मतलब शुरू कर दिया करते थे। तो उसके बाद में दिमाग में यह आया, बोले भाई जब एक वायलिन बना लिया तो दूसरा भी बना के देखते हैं। गलत ये फिर उन्होंने कोशिश करी, जैसे तैसे सीमेंट का पत्थर बना के क्या करा, कैसे करा उसको, फिर एक वायलिन तैयार करा 2 महीने में 3 महीने में उसको भी बजाया उन्होंने। फिर फर्नीचर का काम तो चल ही रहा था, कारीगर काम कर रहे थे, शागिर्द काम कर रहे थे उनके, बना दे। फिर उसके बाद में एक वायलिन और बना के देखें तो एक तीसरा वायलिन उन्होंने तैयार कर दिया। अब बोले भाई तो 3 वायलिन हो गए। गलत यह है कि उन्होंने कहा भाई अब ऐसा है कि अब इसको मार्केट में दिखाया जाए, देखते हैं बिकता है नहीं बिकता है। गलत यह है कि एक वायलिन वो लखनऊ उस जमाने में ले गए, जिस जमाने में हिंदुस्तान में वायलिन बनता ही नहीं था, सिर्फ जर्मन का ही वायलिन बनता है। और जर्मन का वायलिन की बहुत मांग है और बहुत अच्छी क्वालिटी, साउंड वगैरह के बहुत अच्छा होता है। तो मार्केट में ले गए तो वो दुकान
दुकानदार उनसे ये कहा कि बोले बाबा ये इंडिया का वायलिन नहीं बिकता है तो जर्मनी का वायलिन बिकता है। अरे उन्होंने कहा साहब तो लिया है आप देख लीजिए ये है ऐसा है फलाना डिमांड कर दिया। उन्होंने कहा भाई रख जाओ आप यहाँ पे दुकान पे अगर बिक जाएगा तो आपको उसके पैसे मिल जाएंगे। एक वायलिन वो रख के चले आए। फिर 2-3 महीने बाद में चिट्ठी आई दुकानदार के बोले भाई आपका वायलिन बिक गया और आप ये पैसे अपने ले जाओ और एक वायलिन और लेके आ जाओ। तो उसके बाद में उनकी हिम्मत बनी बोले भाई हमारा वायलिन तो बिकने लगा। इस तरीके से शुरुआत हुई लखनऊ से फिर और आगे बढ़े। अब लखनऊ में तो मार्केट जमी गई थी दिल्ली में, मतलब एक दिल्ली वगैरह में दिखाया। दिल्ली में भी ये हुआ जब सैंपल वगैरह ले गए पार्टी के पास, पार्टी ने कहा बाबा ये तो जर्मनी का वायलिन चलता है ये इंडियन वायलिन कहाँ चलेगा यहाँ पे। उन्होंने कहा साहब ठीक है अब तो लेकर आए इसको देख लीजिए आप। बोले ठीक है। उन्होंने भी ये कहा कि इसको रख जाइए आप अगर बिक जाएगा तो आपको पैसे मिल जाएंगे। पर वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ जैसे लखनऊ में हुआ, वहाँ पे भी वायलिन रख के चले आए। फिर 2-4 महीने बाद में चिट्ठी आई बोले भाई आपका वायलिन बिक गया आप आन के पैसे ले जाइए। इस तरीके से उनकी हिम्मत बनती चली गई तो वायलिन की तादाद बढ़ना शुरू हो गई, बनावट ज्यादा होना शुरू हो गई, प्रोडक्शन बढ़ने लगा थोड़ा थोड़ा होके। वायलिन बनाने के लिए रॉ मटेरियल कोलकाता से मंगवाया जाता है। फिर बनती है सुमधुर वायलिन जिसकी कीमत 400 रुपयों से लेकर 1,000 रुपयों तक होती है। ये हम लकड़ी लेते हैं, मोटी लकड़ी लेते हैं, इसका चिरान कराते हैं 1.5-2 इंच मोटा, उसको फिर सीजन करते हैं, सुखाते हैं लकड़ी को। सुखाने के बाद में फिर अपने हिसाब से फर्मों के हिसाब से खत वगैरह लगा के उसके चिरान करते हैं अपने हाथ से। वो तकरीबन उसका साइज जो है तकरीबन 150 सूत का बना के उसको हम अपने डाइयों के अंदर डालते हैं, डाइयों को अंदर बैंड करके फिर कारीगर उसको मतलब कि सेटिंग करके काट कूट को उसको सेट करते हैं। उसके बाद में मतलब जाकर उसकी बॉडी तैयार होती है। बॉडी तैयार होने के बाद में फिर अगले कारीगर के पास जाती है, उसमें काम करता है। तो उसके बाद में ये सीढ़ी वाइज है, मतलब एक के बाद एक सबके हाथों में जाके आखिर में जाके फाइनल होता है। वायलिन बनता है एक विशेष प्रकार की लकड़ी से। इस व्यवसाय से जुड़े वसीउद्दीन बताते हैं, अगर आपको एक अच्छा वायलिन बनाना है तो आपको दो लकड़ियाँ जो इसमें वुड है बहुत ही इसकी कंपल्सरी वुड है, एक तो स्प्रूस वुड होती है जिसे हिंदी में हम कहते हैं चीड़ की लकड़ी, और सेकंड जो है वो मैपल है। वो यहाँ होती नहीं है इंडिया में, वो बाहर से इम्पोर्ट होती है जो दिल्ली से हमें लेना पड़ती है वही फीट के हिसाब से। तो उससे वायलिन बनता है जो साउंड क्वालिटी भी उसकी अच्छी होती है मैपल वुड की। और एक चीज और उसके अंदर इनले होती है वायलिन में, वो हम करते नहीं है, वो अपने हाथ से हम इनले की तरह लाइन डाल देते हैं। वो इनले होने के बाद और अच्छी साउंड क्वालिटी आ जाती है। बस वायलिन का पूरा जो डिपेंड करता है वो साउंड क्वालिटी पे करता है। अगर उसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है वायलिन की तो मार्केट में अच्छा उसका प्रोग्रेस होगी, अच्छी मांग होगी और बजाने वाले भी उसी को ही खरीदेंगे जिसकी साउंड क्वालिटी अच्छी होगी। फिनिश और बनावट की क्वालिटी, साफ सफाई वो तो जरूरी है लेकिन साउंड क्वालिटी बहुत मस्ट है इसमें वायलिन में। अगर साउंड क्वालिटी नहीं है तो फिर बेकार है वायलिन किसी काम का। पूरा काम हैंडवर्क से ही करते हैं और जहां मशीनें हैं उससे साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं हो पाती, मशीनों से बंच हो जाता है वायलिन लेकिन साउंड क्वालिटी उसमें नहीं आती है। इसी वजह से जो जर्मन का वायलिन आता है वो पूरा हैंडमेड होता है, वो अपने हाथ से ही बनाते हैं पूरा वायलिन, और सब उसके औजार होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सब उससे बनकर घड़कर बनता है वो जो जर्मनी वायलिन होता है। और हमारा वायलिन जो है वो ढालकर बनता है, उसको बना के हम भी हैंडमेड ही वायलिन है पूरा, लेकिन मशीनों का हम यूज नहीं करते इतना, बहुत कम आरी वारी सब हैंड से ही काम होता है। चाइना का वो भी हैंड से ही करते हैं मोस्टली, उसमें काम बस कटाई वटाई कर लेते हैं आरा मशीन से बैंड से, बस ज्यादातर वो भी हैंड वर्क ही करते हैं चाइना से। वो लगता है कि वो मशीन से बना रहे हैं लेकिन वो मशीन से नहीं बनाते क्योंकि उनके यहाँ भी कारीगर बहुत होते हैं और उनकी जो कारीगर की मजदूरी जो होती है बहुत कम होती है, वो कम में ही काम कर लेते हैं। हमारे यहाँ कारीगर है वो भी सही करते हैं लेकिन मजदूरी अब जो बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो कारीगर भी कहते हैं कि हमारे पैसे बढ़ाइए, तो बढ़ाना पड़ते हैं पैसे। एक अच्छे वायलिन को बनाने के लिए हमें सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ब्रिज और साउंड पोल का तालमेल बहुत अच्छा होना चाहिए। साउंड पोल सीधा होना चाहिए और उसकी ऊपर का जो पार्ट होता है अपर पार्ट और उसमें लीडी होती है, एक ग्रेन्स टाइप होती है, उससे उसका मैच साउंड पोल से और ऊपर अपर लीडी का मैच होना चाहिए। और ब्रिज जो है साउंड पोल से थोड़ा आगे होना चाहिए, वहाँ कट लगे होते हैं एफ सोल में दोनों साइडों में, उसकी बिल्कुल मिडल में रखना चाहिए ब्रिज। और सबसे पहले उसकी फिंगर बोर्ड, अगर आपकी फिंगर बोर्ड टेढ़ी है तो वायलिन नहीं बज सकता, बैंड है फिंगर बोर्ड तो आपका वायलिन किसी कीमत पर नहीं बजेगा, आप कितना भी कोशिश कर ले नहीं बजेगा जब तक आपकी फिंगर बोर्ड सीधी नहीं होगी। और ये फिंगर बोर्ड हम एबोनी वुड की लगाते हैं ज्यादातर, सभी चीज हमारे फिटिंग जितनी है एबोनी वुड की होती है। पैक्स अगर एबोनी
बोनी वुड की फिटिंग लगाएंगे तो साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, छनकार अच्छी होगी वायलिन की और खनक बहुत अच्छी देगा वायलिन। शुरुआती दौर में तो दो तीन कारखाने ही रामपुर में वायलिन बनाते थे, लेकिन बीच में डिमांड पड़ने पर 15-20 लोगों ने अपने कारखाने खोल लिए। इनसे करीब 150 कारीगर जुड़े और उनका परिवार वायलिन से ही पलने लगा। वायलिन के पुराने कारोबारी जनाब गयासुद्दीन, तो जहाँ माल बम्बई में जाया करता था वहाँ से हम पार्ट्स मंगाते थे, उसके तारे मंगाते थे तो पैकिंग करके भेजते थे। जो पैकिंग करके भेजते थे उसके अंदर वो पार्टी की चिट्ठियाँ आ जाती थी कचरे के साथ में, तो उनको खोलते थे, देखते थे चिट्ठी में कहाँ का एड्रेस है कि ये सब मद्रास का एड्रेस है, ये फला जगह का एड्रेस है, ये बेंगलोर की पार्टी है, तो उनके चिट्ठियों को दोबारा दोबारा वो खातों किताबत करते थे, चिट्ठी भेजते थे, पत्र भेजते थे, उसका जवाब आते थे। इस तरीके से आहिस्ता 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 करके अल्लाह करम फजल पूरे हिंदुस्तान पे छा गए। रामपुर का वायलिन जो है हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में रामपुर का ही वायलिन कहला के फेमस है कि रामपुर के अलावा हिंदुस्तान में और कहीं वायलिन बनता ही नहीं है। ये अल्लाह करम फजल जो जानने वाला है इसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला, वो वायलिन देख के कहता है रामपुर का वायलिन है, रामपुर के अलावा कहीं वायलिन नहीं बनता है। लेकिन अब कुछ गलत नीतियों के चलते सुकड़ने लगा है ये कारोबार, और आज सिर्फ 5 कारखाने ही रामपुर में चल रहे हैं, मगर कारीगर लगभग उतने ही हैं। इस उद्योग से जुड़े मुनीरुद्दीन इसकी शुरुआत और निर्यात के बारे में कुछ यूं बयां करते हैं अपने ख्यालात। तो आज वायलिन रामपुर का चल रहा है और डिमांड काफी है। कुछ शागिर्दों ने भी काम शुरू किया था मगर उनको नुकसान बहुत हुए। उसकी एवरेज जो है वायलिन कुल मिला के करीब 450 रुपए की, उस पर लागत आ रही 500 रुपए की, 300 रुपए तक बेच जाते हैं पैसे की वजह से कि पैसा आए तो काम चलाए, उससे नुकसान हो रहा है। और करीब 10-11 फैक्ट्री बंद हो चुकी है उसमें जो नए चालू हुए थे। अब उसमें जो है सरकार ना तो बैंक से कोई इस तरह का फैसिलिटी हमें दे पाती कि हम उसको काम को आगे चलाएं। ये बंद होने के कगार में है, जब तक भी चला पा रहे हैं चला रहे हैं। केरला है, तमिलनाडु है और कलकत्ता भी जाता है, कलकत्ते से बांग्लादेश जाता है, वहाँ की पार्टियों के बॉर्डर करीब है वहाँ से ले जाते हैं, मद्रास वगैरह से इधर श्रीलंका जाता है। मेड इन रामपुर वायलिन दिल्ली, चेन्नई, केरल और कर्नाटक में निर्यात होता है, लेकिन सरकारी छूट नहीं मिलने के कारण इसकी सप्लाई बाहर नहीं हो पाती। इस कारोबार से जुड़े लोगों को कई मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। दुमहला रोड स्थित वायलिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के स्वामी मोहम्मद जफर साहब ने हमें रामपुर के वायलिन की खासियत से रूबरू कराया। हमारे वायलिन में ये खासियत है कि हमारा वायलिन जो है वो जल्दी खराब नहीं होता है, टूटता नहीं है, और बाहर के जो वायलिन आ रहे हैं चाइना के जो हैं वायलिन, वो अगर जमीन पे हाथ से गिर जाता है तो टूट जाता है, उसके हर चीज जो है वो पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं, बिखर जाता है। और हमारे वायलिन में ये खास है चीज कि वो इतनी जल्दी मतलब टूटता नहीं है, गिरने से भी टूटता नहीं है, खराब भी नहीं होता है। हारमोनियम जो है वो विदेशी इंस्ट्रूमेंट है लेकिन स्वदेशी मानती है, और वायलिन जो है ये भी हमारा विदेशी है लेकिन इसको स्वदेशी नहीं मानते, जबकि हारमोनियम के ऊपर विदाउट टैक्स है, वो बगैर टैक्स के जाता है, और हमारे वायलिन के ऊपर 2% टैक्स है। सबसे बड़ा फर्क तो इसी में यही आ जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ सही सलूक नहीं करती, और हम कई बार इसकी एप्लीकेशन भी दे चुके हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है। कमिश्नर तक को दी हमने एप्लीकेशन, कोई सुनवाई नहीं है उसमें। वायलिन से जुड़े व्यापारी इसकी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे क्योंकि इनके पास बेहतर फिनिशिंग और कंप्यूटरकृत डिजाइन डालने वाली मशीनें नहीं हैं। लेकिन विदेशों में इस उद्योग को नकारा नहीं जा रहा बल्कि बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके चलते मेड इन चाइना वायलिन रामपुर आ गया और शहर के बाजार में अपनी पैठ बनाने लगा। वसीउद्दीन इस बारे में कहते हैं, एक्सपोर्ट का अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है जिसकी वजह से ये यहाँ मुरादाबाद में एक्सपोर्टर हैं, ये लेते हैं लेकिन ये बहुत कम पैसे देते हैं यहाँ पे। 400 रुपए में हमारा क्या हो रहा है, इसमें तो कुछ भी नहीं होगा, इसमें तो खाली उसकी बनाई ही चली जाएगी वायलिन की, जिसे एक्सपोर्ट को अगर हम दें, अगर हमारा एक्सपोर्ट सीधा डायरेक्ट होगा बाहर शहरों से फॉरेन कंट्रियों से तो हमारी मजदूरी भी अच्छी निकलेगी, उसमें प्रॉफिट भी अच्छा होगा और जो हमारे कारीगर हैं उनको भी अच्छी आमदनी होगी और उसका मांग भी अच्छी बढ़ेगी वायलिन की।
वायलिन के कारोबारियों के साथ साथ वायलिन से जुड़े कारीगर भी इस मंदी के चलते परेशान हैं। आइए जानें। मेरा नाम फिरोज है, वायलिन बनाते हैं हम। ये वायलिन का फ्रेम होता है, ये इसमें फिट होता है, इसके जरिए मतलब जो वायलिन बनता है जी, ये सब बनाते हैं। ये मशीनों से प्रेस करते हैं, इसे कटिंग होती है, इसकी कटिंग वगैरह होती है, इसकी रंधाई मशीन भी है, इसकी नहीं रंधाई होती है। ये सब मकान की लकड़ी है, ये रामपुर से आती है ये लकड़ी। इसमें काफ़ी तरह की लकड़ी लगती है, वाइट लकड़ी होती है वो भी लगती है इसमें, वाइट लकड़ी तो पर्तल बोलते हैं। फ्रेम बनता है उसके बाद में इसको, तो फ्रेम को तैयार करने में वायलिन बनता है इससे। क्योंकि मैं यहाँ से 8 बजे से सुबह के 8 बज जाते हैं, रात 12 घंटे हो जाते हैं। इसमें पैसे साहब 200-300 रुपये रोज मिल जाता है, यहाँ रोज कम मिलता है, भरपूर कम मिलता है। महंगाई के दौर में ये पैसे हमारे लिए बहुत कम है। इसमें जो है खर्चा पानी भी सही से नहीं हो पाता ठीक, कम से कम 500-600 रुपये 700 रुपये तो होना चाहिए रोज के, जब जाके तो कुछ खर्चा पानी भी होगा ठीक, परेशानी भी हो जाती है खर्चे पानी वाली भी। महंगाई वैसे जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है उस हिसाब से पैसे बहुत कम है। वायलिन की मांग बढ़ रही है लेकिन ये उद्योग घट रहा है, मुनासिब काम की सही दाम नहीं मिल पा रहे। वायलिन निर्माता मुनीरुद्दीन साहब, हैंडीक्राफ्ट टैक्स फ्री कर दिया है मगर वायलिन पे टैक्स पेड कर दिया, जबकि सारा हैंडीक्राफ्ट आइटम है, लेबर सबसे ज्यादा है इसमें, मशीनरी का काम है नहीं। अगर ये कम थोड़ा सा इस पे टैक्स ये टैक्स फ्री हो जाए तो हमें थोड़ी सहूलत हो जाए और इस काम को आगे बढ़ाएं। मटेरियल के लिए वजह से ये परेशानी होती है क्योंकि पर्तल की लकड़ी यहाँ नहीं मिल पाती, बाहर से लाना पड़ती है, कभी मिल भी नहीं पाती जैसे हम इस्तेमाल करते हैं उस तरह की लकड़ी नहीं मिलती, मजबूरन आर्डरी लकड़ी लगाना पड़ती है। रामपुर में इस टाइम लगभग 200-250 जो है लेबर के काम करते हुए, और फैक्ट्री करीब 4 हैं इस वक्त, उसमें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। करीब 4 या 6 आदमी हों तो उसमें 2 वायलिन बन पाते हैं। रॉ मटेरियल जो है वो बहुत ही महंगा होता चला जा रही है, प्रॉफिट कम होता जा रही है। आप हैं वायलिन के पुराने कारोबारी गयासुद्दीन। पूडन हमें अवेलेबल नहीं होती, दस्तियाब नहीं होती, इसकी वजह से हम जो यहाँ की लोकल लकड़ी वगैरह है ये यूज़ करते हैं, या कलकत्ते से आती है पाइन वुड वो यूज़ करते हैं, या इधर कलकत्ते से पार्ट्स वगैरह आते हैं एबोनाइट के वो यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट से हमें सहायता नहीं मिलती। अब एक ज़रा सारी बात है, हमारा ये म्यूजिकल आइटम जो है वायलिन पूरा हैंड वर्क है, इसके अंदर हमें जो है गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स, हैंडीक्राफ्ट के ऊपर ये टैक्स जो है माफ़ है, लेकिन इसके ऊपर वायलिन को माफ़ नहीं है। हमें टैक्स से बड़ी परेशानी होती है, और जब टैक्स हम पार्टी को माल भेजते हैं तो उसी फार्मर ने भेजते हैं, हमें टैक्स अपने जेब से भरना पड़ता है, इसलिए हमें मतलब बिग डेवलप होने में बड़ा मुश्किल पड़ता है। संभावना साहब यही है कि हमें मतलब ये जो हमें मशीनरी मिलना चाहिए थी हमारे पास मशीनरी नहीं है, हालांकि माल की काफ़ी डिमांड है, लेकिन हमारे पास एक तो मशीनरी नहीं है और दूसरे पैसे की भी थोड़ी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये असल में समस्या। और दूसरी बात यह है, अब ऊपर से चाइना का ही माल आना शुरू हो गया, चाइना की वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम आती है मार्केट के अंदर, क्योंकि पार्टी कहती है साहब इम्पोर्टेड मांग रहे हैं, इसके लिए हमारे ज़रा माल के ऊपर थोड़ा फ़र्क पड़ता है। पहले चाइना वगैरह नहीं आता, हमारे माल की बहुत डिमांड थी और हमारा पेमेंट ही मतलब एक हैंड टू हैंड हो जाता था, पेमेंट ही बहुत हमारा लेट हो जाता है पार्टियों के पास, ये समस्या है। कभी कभी महसूस होता है हमें कि मतलब कि हम इस कारोबार जुड़े हैं, हमारे हिंदुस्तान के अलावा और कोई है ही नहीं इस उद्योग के अंदर। जिस तरह मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है और वहाँ के कारीगरों को बिचौलियों के बजाय सीधे तौर पर बाजार मिलता है, उसी तरह कुछ वायलिन के कारीगरों के साथ भी होना चाहिए। मुरादाबाद के कारीगरों को निर्यातकों के माध्यम से बड़े बाजारों और मेलों में अपने हुनर को दिखाने का मौका मिलता है, लेकिन रामपुर के वायलिन से जुड़े कारीगर ऐसे मौकों से महरूम रहते हैं। आप हैं कारीगर मोइन। मैं इस वायलिन में काफी टाइम से काम कर रहा हूँ, तकरीबन कोई 4-5 साल, और इसके अंदर हमारा काम थोड़ा मद्दा चल रहा है, यही मार्केटिंग की वजह से काम। इसमें मैं पॉलिश का और फिटिंग का ही करता हूँ। ये फिटिंग वायलिन की होती है, जो स्ट्रिंग वगैरह लगती है, खूटी वगैरह लगती है, ये लकड़ी का बनता है, नेपाल की लकड़ी होती है, ये सब बाहर से आता है कलकत्ता से। फायदा किया बस हो जाता है तकरीबन 2500-3000 रुपये तक का महीने में। बस ये कि बीच में थोड़ा परेशानी आ जाती है बाहर की वजह से कि लोग मद्दा भेज देते हैं, तो उस वजह से थोड़ा काम मद्दा हो जाता है, और यहाँ पे कारीगरों को भी बहुत परेशानी है क्योंकि हमारा वायलिन जो है कहीं दिखाया नहीं जाता,
कहीं पर प्रदर्शनी नहीं होती। हम चाहते हैं कि ये भी प्रदर्शनी में आए और हमारी कारीगरी दिखाई जाए। अगर प्रदर्शनी होगी तो लोग आएंगे, देखेंगे और इससे मार्केटिंग भी ज्यादा बढ़ेगी हमारी और हमें भी फायदा होगा। इससे बाहर लगती है लेकिन वहाँ जा नहीं पाते क्योंकि वहाँ अलाव नहीं है। अगर कारीगर निर्यातक और बाजार का सीधा संबंध स्थापित हो जाए तो इससे कारीगरों की मजदूरी भी बढ़ेगी और उन्हें अपने काम के अच्छे दाम भी मिलेंगे। आज जरूरत है सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कदम बढ़ाने की जिससे इस उद्योग से जुड़े निर्यातकों और कारीगरों को कुछ लाभ मिल सके। मेरा नाम अजीज अहमद, मैं काम यहाँ पर वायलिन का करता हूँ। करीब 22 साल से इसी कारखाने में हूँ मैं। पहले तो काफी परेशानियाँ थी, अब कुछ सहूलत हो गई है लेकिन अभी भी यहाँ पर इसकी कोई डिमांड नहीं है। यहाँ पर तो लगभग जानते ही नहीं है कि यहाँ रामपुर में ये काम होता है। कुछ ही लोग जानते हैं जो आसपास रहते हैं, बाकी यहाँ पर इसका कोई ऐसा मेला या कोई प्रदर्शन नहीं हो पाया अभी तक जिससे पता चले कि ये काम यहाँ पर है। इस काम को बढ़ावा तभी मिलेगा जब सबको पता चले। फिल्मों में देख के वो भी कभी किसी ने कह रहा है वायलिन यहाँ बनता है, बस कुछ लोगों को मालूम है, सबको नहीं मालूम है। यहाँ हमें बहुत से लोग अगर हम किसी भी कहते हैं कि हम वायलिन काम करते हैं तो कहते हैं वायलिन कौन सा, तो उनको भी समझाते हैं कि वो मोहब्बतें में देखा होगा तुम, सब समझते हैं, वरना समझ नहीं पाते क्या काम करते हो। यहाँ पे तो कोई क्लास ही नहीं है, और जगहों पर तो स्कूलों में क्लास लगती है म्यूजिक की, यहाँ कोई क्लास नहीं है। ना आज तक कोई ऐसा हुआ कि जहाँ नुमाइश या मेला कुछ लगे, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ अभी तक। भाई इस काम की जो है तरक्की होना चाहिए, हर तरह से इसका प्रदर्शन भी होना चाहिए, पता चले कि यहाँ होता है, इस काम को बढ़ावा मिले। इसमें जो भी टैक्स है वो टैक्स खत्म होना चाहिए, इस पर टैक्स नहीं होना चाहिए, ये तो हाथ का बनाया हुआ है, हैंडीक्राफ्ट में आएगा ये तो। करीब 10 साल पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मोहब्बतें। इसमें नायक को वायलिन बजाते हुए दिखाया गया था। वायलिन कारोबारी कहते हैं कि तब से युवाओं में वायलिन के लिए ललक और बढ़ गई है। ये रामपुर है, यहाँ दिल की सुकून बख्शी की खातिर वायलिन बनाया जाता है। मेड इन रामपुर वायलिन देश के कोने कोने तक जाता है। लेकिन अफसोस, जिस तरह रामपुरी चाकू की धार को जंग लग गई, उसी तरह कहीं वायलिन की राग भी मंद न पड़ जाए। इस कारोबार से जुड़े लोग बदलती नीतियों से खुश नहीं हैं। वो अपने कारोबार में चार चांद लगाने के लिए सरकार से बेहतर नीतियां चाहते हैं, जिससे उन्हें रॉ मटेरियल मुनासिब दामों में मिल सके और सुलभ कीमतों में वो वायलिन को देशी नहीं दुनिया भर में पहुंचा सके। अपना शहर रामपुर दूसरे देशों में भी एक और नजरिए से पहचान बना सके। कला श्रम सम